यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। आइए देखें राजकीय प्राथमिक पाठशाला बगपॉन्टा एक नज़र में। एडमिशन के लिए अध्यापकों ने चलाया जोरदार प्रचार अभियान, घर घर जाकर बताई स्कूल की खूबियां, जगह जगह लगाए पोस्टर। ये है बगपॉन्टा का वार्षिक स्कूल कैलेंडर। कैलेंडर में वर्षभर होने वाली गतिविधियों, खेल प्रतियोगिताओं, इवेंट्स, कॉम्पिटिशंस, एग्जाम्स व छुट्टियों से संबंधित जानकारियां दी गई हैं। किताबों और कॉपियों पर लगाए सुंदर बुक कवर बच्चों व अभिभावकों को दी इन्हें सुरक्षित रखने की प्रेरणा। चुनाव प्रक्रिया को समझने व नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए किया स्कूल मॉनिटर का चुनाव। उंगली पर लगी स्याही, मतपत्र में हुआ नोटा का प्रयोग। नन्हे नन्हे हाथों में कीबोर्ड और माउस। SMC ने मॉर्निंग असेंबली व अन्य कार्यक्रमों के लिए दिया हाईटेक माइक सेट सिस्टम। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बिखेरे रैंप पे जलवे। स्कूल ने किया फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन। सुंदर लेखन व चित्रकला में अपना हुनर दिखाते हुए छात्र। नैतिक मूल्यों के विकास के लिए बनाया लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर। बच्चों की जोरदार मांग पर हुआ मेहंदी प्रतियोगिता का सफल आयोजन।
टी पार्टी में झूमते गाते नाचते बच्चे व अध्यापक। खेल खेल में बच्चों ने समझे बल कार्य व ऊर्जा के अर्थ। पंजा लड़ाने में लगा बल, हाथ झुकाने पर हुआ कार्य और विनर बनी अधिक ऊर्जा वाली छात्रा। भूमि प्रदूषण पर बच्चों ने किए प्रयोग, पॉलीथीन के जाने दुष्प्रभाव। स्वच्छता अभियान में अध्यापकों व बच्चों ने लिया बढ़ चढ़ कर भाग। पढ़ाई के साथ साथ खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों ने गाड़े सफलता के झंडे। Hello. Hello, is that 22301? Yeah, whom do you want to speak? I would like to speak to Gunjan, please. Hi, yeah, I am Gunjan. Oh, Gunjan, hi. How are you? I am fine, thank you. And how are you? I am also fine. What are you doing? Nothing, I am free. I have done my homework. I am also free. Gunjan, it's a good day today. Let us go out for shopping. Yeah, that is a wonderful idea. We will purchase dresses, shoes, hairbands and rings. Priya, we will also enjoy pizza and ice cream. How many rupees you have? I have 500 rupees. I have 700 rupees. That's good. Good. Came in the evening at 5 o'clock. Okay. I will come in time. Okay then. Bye. Bye. Take care. And see you in the evening. Bye. ये TLM है जो हमें विभिन्न पहाड़ों की जानकारी देता है, ठीक है। इस TLM की जो वर्किंग है वो इस तरह से है, इसके नॉर्थ को जब हम घुमाएंगे तो ये देखिए ये 15 का पहाड़ा दिखा रहा है। 15 एकम 15, 15 दुए 30, 15 तिया 45, इस तरह से हमें पूरा पहाड़ा इसके अंदर नजर आता है। इसको जरा सा घुमाएं अगर हम लोग, घुमाने के ऊपर जो है वो हमारा पहाड़ा बदल जाता है। अब 16 का टेबल है, 16 का पहाड़ा है, ये देखिए 16 का पहाड़ा हर जगह नजर आ रहा है। थोड़ा सा और घुमाने के ऊपर ये हमारा पहाड़ा 17 का हो गया, बच्चा आराम से पहाड़ा यहाँ से देख सकता है। थोड़ा सा और घुमाएंगे तो पहाड़ा और बदल जाएगा, पहाड़ा 18 का हो गया, ठीक है। इस तरह से हम पहाड़े बदल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की।
इसमें कितने पहाड़े आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो मॉडल है, जो आपका टीएलएम है, वो किस साइज का है। ठीक है, इसको बनाने के लिए चार्ट पेपर की आवश्यकता है, या आप कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। आप एक कार्डबोर्ड लीजिए या चार्ट पेपर लीजिए, उसे सिलेंड्रिकल आकार में ऐसे बना लीजिए एक, और एक और बना लीजिए दो। जो दूसरे वाला होगा इसका थोड़ा सा व्यास थोड़ा कम रखें ताकि ये इसके अंदर आराम से आ सके। ठीक है, ये दो बनाने के बाद, और जो दूसरे वाला हमारा जो अंदर का हिस्सा होगा उसमें घुमाने के लिए थोड़ा नॉब रखें। हमने इसको क्या किया हुआ, एक खाली बोतल ली हुई है और उसके ऊपर ये अपना चार्ट लगा लिया ताकि ऊपर से इसको आसानी से घुमाया जा सके। अब हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर हमने जो काटे हुए हैं उनको हम चाहे बड़े आकार का ले लें चाहे छोटे आकार का ले लें, ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने क्या किया है, इसको काटा हुआ है, ये मुख्य पहाड़े के लिए एक विंडो बनाई हुई है, एक बॉक्स काटा हुआ, स्क्वायर बॉक्स, इस तरह से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, जितना हमारे पहाड़े के जो मटेरियल है उस हिसाब से हमने ब्लॉक्स इसके काट लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल खाली है, ये सिंपल है ये। ठीक है, ये जो दूसरा हमारा है इसको हम इसके अंदर डालेंगे बगैर कुछ लिखे हुए, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटर करने के बाद इस ब्लॉक्स का निशान बनाएंगे ताकि जो अंदर वाला हमारा सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर है, उसके बिल्कुल सही जगह पे हमारा मटेरियल लिखा जाए। 15 × 15 इस ब्लॉक में लिख देंगे, 15 × 30 इसमें लिख देंगे, 15 × 45 इसमें लिखेंगे और इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसको राइट करने के बाद थोड़ा सा ब्लॉक को घुमाएंगे, अगला टेबल लिखा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और घुमाइए खाली जगह आते ही आप दोबारा से अगला पहाड़ा लिख दीजिए। इस तरह से आप इसमें प्राइमरी के बच्चों के लिए 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ पुराने चार्ट का इस्तेमाल हमने किया हुआ है और पूरा जो है वो पहाड़ा जेन्युइन बन सकता है, और इसके और भी कई प्रयोग हैं जो आप स्वयं बताएंगे। आइए बात करते हैं एक इंग्लिश टीएलएम की। यह टीएलएम छोटी कक्षा के बच्चों के लिए बहुत ही रोचक व विविधतापूर्ण है, इसे हम एक गेम की तरह खेल सकते हैं। इस टीएलएम का जो मुख्य स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, हमने इसके चारों तरफ ग्रिड्स बनाई हैं, 2 ग्रिड्स हैं वायर की ग्रिड्स चारों तरफ को, एक वे है, रास्ता है जहाँ पर ये कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स हमारे ए से लेकर जेड हैं जो इसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह हमारे यहाँ से मूव करते हैं। ये इस तरह से बनाए गए हैं कि चारों तरफ को रोटेट हो सकते हैं। ये आपका एक अल्फाबेट है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, राइट साइड कर सकते हैं, अप या डाउन कर सकते हैं, ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। गेम कुछ इस तरह से है कि हमारे ये अल्फाबेट्स इन ग्रिड्स से घूमते हुए चारों तरफ को निकलते हैं। इन ग्रिड्स में एक ही जगह एंट्रेंस पॉइंट है इस फाइनल ग्रिड के ऊपर, यहाँ पे हमारे वर्ड फॉर्मेशन होगी, हमारा कोई भी अल्फाबेट्स इधर से घूमता हुआ आएगा, जिसकी हमें आवश्यकता होगी उसे हम यहाँ से अंदर कर देंगे, यहाँ इसका रास्ता बंद है। जैसे कि हमारे बच्चे के लिए स्पेलिंग है मैंगो, बच्चा चाहता है कि वो मैंगो करे, मैंगो वर्ड की स्पेलिंग करने के लिए उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन सब में एम कहाँ पर है, तभी उसका स्पेलिंग का स्टार्ट जो है वो छिड़ंग से होगा। ठीक है, अब एम भी कई प्रकार से है, कई जगह उल्टा, ये देखिए ये एम डब्ल्यू है जो उल्टा दिख रहा है ये एम है, इसको अगर हम इस तरह से लगाएं तो काफ़ी हद तक ये एम का काम कर सकता है जबकि ये एम नहीं है, तो बच्चे को ये डिसाइड करना है कि एम क्या कहाँ पर है। ये देखिए जी हमारा एम यहाँ पर हमने ढूंढा, ये एम है। अब इस ग्रिड पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, इन सब को हम धीरे धीरे आगे आगे करेंगे ताकि हमारे जो हैं वो सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं वो आगे मूव करें। ये हमारा आगे चलेंगे इस तरह से, ये इस तरह से, ये नीचे की तरफ उतरेगा क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इस एन की आवश्यकता नहीं है, ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें एम की आवश्यकता है, तो ये एम यहाँ से ग्रिड के अंदर आ जाएगा, ये एम। एम के बाद हमें आवश्यकता है ए की, ये देखिए इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये आगे निकल गया, ये हमारा नेक्स्ट और आगे निकल गया। ठीक है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सकें, पीछे से और इन अल्फाबेट्स को मूव कर सकें। ये देखिए ये इजीली मूवेबल है, ये देखिए। अब एम के बाद हमारी आवश्यकता थी ए की, तो इस ए को अब नीचे नहीं लेकर जाएंगे, इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ को मूव कर देंगे। ये एम के बाद क्या बन गया हमारा, ए। अब बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, एन की आवश्यकता है, एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है, अगर ये एन चाहिए तो बच्चा इसी को क्या कर सकता है, बैक मूव करके अंदर कर सकता है। हमारे पास एम ए एन हमारा बन गया। अब हमें क्या चाहिए, जी और ओ, तो यहाँ से बच्चा इन सबको क्या करता है, धक्का देकर आगे रोटेट करता है ताकि हमारे अल्फाबेट्स जो हैं वो
और आगे मूव करें। इस पूरे प्रोसेस में बच्चा जो है हर अल्फाबेट से फेमिलियर होता जाता है, उसकी शेप, उसकी साइज, क्योंकि ये गेम है तो बच्चे के दिमाग में हर अल्फाबेट्स के शेप हैं कि कौन किसको कहते हैं। अगर वो गलत करेगा तो उसके ऊपर ये रहता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये मूव हो रहा है, एम ए एन के बाद हमें चाहिए जी, बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है ये एन है नहीं चाहिए, ये एफ है ये भी नहीं चाहिए, ये जी है ये हमें चाहिए, ये बच्चा इसको अंदर ले आएगा। अब ये बन गया एम ए एन जी। अब हमें लास्ट चाहिए ओ, बच्चे ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर ओ है, इसको रोटेट करेगा, जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें क्या करेगा साइड लाइन करता जाएगा। इस तरह से ये मूव होती रहेगी हमारी गेम, ये फ्रीक्वेंट है कि कहीं से भी आप इनको ये कर सकते हैं, ये देखिए। और इन द एंड क्या हुआ, हमारा स्पेलिंग पूरी होगी एम ए एन जी ओ। ये क्लास के हिसाब से, अगर फर्स्ट क्लास के लिए है तो आप अरेंज करवाइए ए टू जेड, अगर आप सेकंड क्लास के लिए हैं तो आप स्मॉल स्पेलिंग करवाइए, जैसे डेज के हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, मंथ्स के नेम हैं। उससे बड़ी क्लास है तो आप और बड़े लेवल की गेम खेल सकते हैं। ये हर तरह के उसके लिए क्या है, फ्री है, फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। ये लकड़ी के उससे बनी हुई है और ये लोहे के छोटे छोटे हमने क्या किए हैं, रॉड किए हैं, ताकि ये क्या कर सके, पास कर सके। इसे हम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये हर कक्षा के लिए पूरी तरह से यूजफुल हो। ये TLM बच्चे के जो बेसिक कंसेप्ट नमस्कार, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के अंक ज्ञान को जांचने, परखने और सुदृढ़ बनाने के लिए इस TLM का निर्माण किया गया है। इस TLM में अलग अलग तरह के हमने वर्ग बनाए हैं, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख और करोड़ को इंगित करते हैं। इन वर्ग के पीछे व्हील बनाए गए हैं जिनके ऊपर हमने 0 से 9 तक गिनती दर्ज की है। ये रोटेटिंग व्हील हैं, इनके घूमने से ये बदलते रहती हैं संख्याएं। देखिए जैसे ये संख्या है, अगर इसको हमने बदलना है तो इस तरह से हम इसको घुमाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये देखिए, किसी भी संख्या को हम यहाँ पीछे से घुमाकर बदल सकते हैं, ठीक है। इनके बदलाव से संख्या का क्रम बदल जाता है। ये देखिए ये देखिए इस तरह से हम अलग अलग प्रकार की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं और दी हुई संख्याओं को पढ़ भी सकते हैं। बच्चे इसकी सहायता से खेल खेल में बड़े उत्साह के साथ संख्याओं का जो अपना ज्ञान है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद। Shall overcome someday. The truth will make us free. The truth will make us free. The truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. Jai Hind.